मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आज भी मुक्तिनाथ जाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली कल और परसों भी एयरपोर्ट आके मुक्तिनाथ जाने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फ्लाइट दोनों दिनों कैंसिल हो गए। पता नहीं आज भी फ्लाइट होगा या कैंसिल होगा। चलो इंतज़ार करते हैं। फिर मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो अब चलो जीप से चलते। लंच ब्रेक है। ये सिल नामक एक नेपाली मिठाई है, अच्छा है। अब पुलिस चेक पॉइंट में कुछ नाम लिख रहे हैं हम, तो अब शायद 80% तो आ गए। अब बाकी 20% 2-3 घंटे में पहुंचेंगे हम। मुझे लगा फ्लाइट कैंसिल होकर बहुत ही मतलब बुरी बात है और बहुत समय लगेंगे पहुंचने में और बहुत थक जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अव्यूज बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा है, चलो बाकी 2 घंटे एंजॉय करेंगे। शायद आज मंदिर नहीं जा सकूंगी, होटल में ठहर कर कल सुबह मुक्तिनाथ मंदिर चलते हैं। फाइनली होटल पहुंच गए। अब 8 बज गए हैं और मुस्तान के होटल में पहुंच गई। और मिल्क टी बहुत यहाँ ठंडा है, तो गरम गरम चाय बहुत ही अच्छा लगेगी। हाँ बहुत ही अच्छा है। यह है आज का कमरा। 3 बेड्स हैं, लेकिन एक ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन 3 ब्लैंकेट्स इस्तेमाल करूँगी क्योंकि यहाँ बहुत ही ठंडा है, -1 डिग्री है। और हॉट शावर नहीं होगा यहाँ, तो आज बिना नहा के सो जाऊंगी। गंदा तो है लेकिन ठीक है, अब लोगों की जगह तक मेरी बदबू तो नहीं पहुँचेगी। ये तो यूट्यूब है, वीडियो है, स्मेल तो नहीं जाएगी, तो कोई बात नहीं। तो आज ठीक से सोऊंगी, कल सुबह जल्दी उठूंगी। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। 7 बजने वाले हैं। चलो सुबह के चमसों को कुछ घूमूंगी। सड़क जमी हुई है, ध्यान से चलना होगा। अति सुंदर दृश्य। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। पानी भी जमा हुआ है, गाय मुझे देख रही है।怖いな、そんな走ってきたら。怖いだろ、そんな走ってきたら怖いだろ。ね。へい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 。बहुत सुंदर वातावरण, नदी की आवाज, बर्फ बहुत ही अच्छा है। ये पेड़ क्या हुआ, सब कटा हुआ है, पता नहीं क्यों, कुछ मतलब होगा। ये हिंदू मंदिर होगा और ये भी। Let's take a video together, okay? What's your name? What's your name?
भीप से मुक्त ना जाने वाली हूँ। मुक्तिनाथ के रास्ते में एक व्यू पॉइंट यहाँ है, बहुत ही सुंदर है। रास्ते में बर्फ ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा खतरनाक है। तरह तरह के तरीके से गाड़ी को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी से तो यहाँ तक ही जा सकते हैं, तो हम आगे पैदल चलेंगे मुक्तिनाथ मंदिर तक। कोई बात नहीं, पैदल चलना मेरा शौक है।疲れてきたな、喉乾いたなって思ったら、よいしょ、切って、クイック水分補給です。昔から雪食べるの好きなんですよね、なんでか知らないけど。バルフバホディチャマクラヒーヘアップデクサクテン YouTube ケトル。この辺の標高は 3600m らしいんです。なので、まあ、寒いなそうだし、ちょっと空気が薄いですね。No, no. Maybe there's the minerals. It tastes like snow where I eat snow. Oh yeah. Like this, right? Oh yeah, I think so. It's really tasty though. Yeah. Good. Okay. Yak desu. Hello. Skip in Muktinath. Welcome to Muktinath. पीछे द्वार के आगे तो मुक्तिनाथ है। हम पैदल एक घंटा दो घंटे पैदल। कितना समय लगा यहाँ तक आने के लिए? यहाँ तक आने के लिए हमें ऑलमोस्ट वन एंड हाफ आवर लगा। अच्छा लगा। थोड़ा सा थक गई हूँ लेकिन बहुत ही सुंदर है इसलिए बहुत ही अच्छा लगा। चलो मुक्तिनाथ चलते हैं। मुक्तिनाथ पहुँचते ही बहुत ही दुकानें हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन पहले मंदिर चलते हैं। आखिर मुक्तिनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पहुंच गए। फाइनली मुक्तिनाथ मंदिर पहुंच गई हूँ। अब अंदर चलेंगे। यहाँ तक तो बहुत ही लंबा रास्ता था लेकिन फाइनली है ना, अच्छा है। नमस्ते। हिंदू और बुद्ध धर्म के अनुयासियों के लिए मुक्तिनाथ एक पवित्र मंदिर है। लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं।
मुक्तिनाथ मंदिर के पीछे 108 दराओं से पवित्र पानी निकलता है और माना जाता है कि उस पानी से स्नान करके इंसान के पाप मिटा दिया जाता है। Be careful. Then you have to swim also here. This one, right? Yeah. Maybe it's freezy. Yeah. It's freezy, I think. I have to go this way, right? Yeah, yeah. Challenge. I can't. So you can come out from there, otherwise. Okay, I broke the. You broke the ice. Yeah, it's okay. Okay, come out slowly. Slowly, take care. Oh, I'm not used to this winter. This one also. Okay. Yeah. Slowly. Yeah, okay. Okay, done! Oh, my work you is got done! It. Bye! Yeah. हाँ तो पानी बहुत ही ठंडा तो था लेकिन बहुत अच्छा लगा और बर्फ को तोड़ना भी बहुत मज़ा आया। तो मुझे लगता है कि मेरी कोई भी सिंस मिटा दिया गया होगा। हाँ तो आप भी अगर समय है तो मुक्तिनाथ आ जाइए मेरे वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको लगा कि मैं बहुत ही मजबूत है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय।